नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि गूगल एड्स में किस तरह से जाके सर्च कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और आप किस तरह से आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके खुद के बिजनेस के लिए सर्च एड्स रन कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ads.google.com ओपन करेंगे। जैसे आप ads.google.com ओपन करेंगे, आपको आपके जीमेल अकाउंट से साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो दिखाई देगी। सो आज हम एक सर्च कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च कैंपेन में जाके कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है हम जो सर्च कैंपेन है किस पर्पज के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, या प्रोडक्ट या ब्रांड ब्रांड है उसे कंसिडरेशन अवेयरनेस उसके लिए, या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच के लिए, या अगर आपके एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए। तो आज हम चाहते हैं कि हम जो ट्रैफिक क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सर्च कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। तो हम पे लीड सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लीड सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखा रहा है हम किस तरह के एड्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो करंटली यहाँ पे सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स और वीडियो एड्स, चार ऑप्शन अवेलेबल है। करंटली हम सर्च एड्स से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्च एड को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और जैसे हमने यहाँ पे सर्च एड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहे हैं कि सर्च एड्स के हम कितने टाइप की अलग अलग लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वेबसाइट विजिट्स प्लस फोन कॉल्स, ये दो ऑप्शन चाहते हैं। सो अगर आप फोन कॉल चाहते हैं, आपका आपका कंट्री सिलेक्ट करके आपका आपका फोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं फोन कॉल पर डिसलेक्ट कर रहा हूँ और आप ऐसे वेबसाइट हमें सिलेक्ट करनी है। तो आपकी जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट के बारे में आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं खुद की वेबसाइट जो URL यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, यहाँ पे हमें कैंपेन की सेटिंग पूछ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कैंपेन का नाम दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम देता हूँ डिजिटल दीक्षा लीड जनरेशन। और ये जो हमारे एड्स है, हम एड्स कहाँ दिखाना चाहते हैं, गूगल सर्च नेटवर्क पे और डिस्प्ले नेटवर्क पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क जो मैं डिसलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सर्च एड्स है वो सिर्फ सर्च नेटवर्क पर ही दिखाई दे। तो यहाँ पे सर्च नेटवर्क ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है टारगेटिंग का, कि आप किस कंट्री में या किस सिटी में आपकी एड्स शोकेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे करंटली बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है। मैं इंडिया के लिए एड्स दिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी जो एड्स है सिर्फ अहमदाबाद सिटी में दिखाई शोकेस हो। तो यहाँ पे जाके मैं वो सर्च करने वाला हूँ अहमदाबाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो अहमदाबाद गुजरात इंडिया, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अहमदाबाद के अंदर 17 लाख लोग जो है जिनको आप एड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे टारगेट सिटी अहमदाबाद ले ली है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरियाज या पर्टिकुलर सिटीज वहाँ पे आपके एड शोकेस नहीं करना चाहते, तो भी आप यहाँ से आप इजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एड्स है गांधीनगर में शोकेस ना हो, तो मैं गांधीनगर सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे एक्सक्लूड कर दूंगा। तो मेरी जो एड्स है सिर्फ अहमदाबाद में दिखाई देगी, गांधीनगर में दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से अगर हम नीचे नीचे जाते हैं, तो आप ऑप्शन है लैंग्वेज का, आप कौन सी लैंग्वेज टारगेट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो एड्स है वो इंग्लिश में होने वाली है, तो सिर्फ मैं इंग्लिश टारगेट करना चाहता हूँ। अगर आपके आप एड जो है आप किसी और लैंग्वेज में क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप इंग्लिश ही रखेंगे। फिर जैसे हम नीचे जाते हैं, ऑडियंस का ऑप्शन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी तरह का ऑडियंस नहीं है। और सर्च एड्स के लिए हम जो हमारे एड्स क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हम सिर्फ कीवर्ड्स का यूज करने वाले हैं, हमारे पास अब किसी भी ऑडियंस का यूज नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बजट का है, कि मैं यहाँ पे पर डे कितने स्पेंड करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बजट है पर डे का, मैं 500 रुपए दे देता हूँ। मैं पर डे 500 रुपए मेरा बजट रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे डिलीवरी मेथड है कि मैं स्टैंडर्ड एक्सेलरेटर, तो मैं स्टैंडर्ड ही रखेंगे, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बिडिंग का, कि आप किस चीज के लिए बिडिंग करना चाहते हो, क्लिक्स के लिए, कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन वैल्यू के लिए, इंप्रेशन शेयर के लिए। तो आप स्टार्टिंग में आप क्लिक्स ही रखिए यहाँ पे। और आपकी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मैक्सिमम सीपीसी बिल लिमिट, और वो ऑप्शनल है, आप पर क्लिक के लिए कितना मैक्सिमम पे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देना लिखना चाहूंगा, मैं पर क्लिक के लिए 25 रुपीज पे कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं पे करना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे सेट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे हम अगर नीचे आते हैं, तो यहाँ पे साइट के, यहाँ पे वेबसाइट के लिए जो हमारे एड्स क्रिएट करने वाले हैं, तो एड के लिए अलग अलग एक्सटेंशन में ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, कि साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हम बाद में क्रिएट करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम इसे सेव और कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे हमने सेव और कंटिन्यू किया, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि एड ग्रुप आप क्रिएट कीजिए। तो मैं यहाँ पे डिजिटल क्लासेस नाम से एक एड ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कीवर्ड सेंटर करना है, कि भाई मैं किस कीवर्ड के लिए एड्स मेरे शोकेस करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे मुझे जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग वेबसाइट एंटर की थी उस वेबसाइट के बेस पे मैं आपको कुछ कीवर्ड का सजेशन मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको आपके रिलेवेंट कुछ भी कीवर्ड है तो उस कीवर्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टार्टिंग है जो कीवर्ड से ये मेरे लिए रिलेवेंट है तो इसे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये भी आपको दिखाने के लिए मैंने आपसे कुछ कीवर्ड सिलेक्ट किए। सिमिलरली आप यहाँ पे कीवर्ड एंटर भी कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे कीवर्ड एंटर कर दिए बाद में यहाँ पे अपने ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेव एंड कंटिन्यू का। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ब्रॉड कीवर्ड ही रखने वाला है। जैसे आपका कैंपेन रन होगा आपका डेटा गैदर होना चालू होगा उसके बाद आप उसे मॉडिफाई करके ब्रॉड स्पेसिफिक या नेगेटिव कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एड का। तो हम अभी यहाँ पे एड्स क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो डिजिटल दिशा के यूआरएल है यहाँ पे येलो दिखा रहा है। रीजन इसका ये है कि हमने यहाँ पे पूरी यूआरएल एंटर नहीं की। तो यहाँ पे हम पूरी यूआरएल एंटर करने वाले हैं हमारी एचटीटीपीएस के साथ। तो जैसे हमने मैं पूरे बार यूआरएल एंटर कर दी यहाँ पे वो एरर चला गया। तो मैं यहाँ पे ऐड क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड का टेक्स्ट मैं यहाँ पे लेबल बनाता हूँ। यहाँ पे जो हेडलाइन है उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं और हम 3 हेडलाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो एड की जो हेडलाइंस थे मैंने लिख दी है। यहाँ पे जो डिजिटल दीक्षा की जो डिस्प्ले पाते हैं आप एड में क्या शोकेस करना चाहते हो वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ डिजिटल दीक्षा .com शोकेस हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसके आगे कुछ और दिखाई दे तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा डिजिटल कोर्स इस तरह से। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में हम दो डिस्क्रिप्शन भी करंटली यूज कर सकते हैं और दोनों डिस्क्रिप्शन में जो कैरेक्टर लिमिट है 90 कैरेक्टर्स की है। तो मैं यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेरी जो ऐड है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने हमारी जो ऐड है उसको कंटिन्यू क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू कैंपेन। सो जैसे कि आपने देखा हमने एक सर्च कैंपेन सिलेक्ट किया उसमें जाके हमने कैंपेन की सेटिंग्स डाली कि हमें एड्स कहाँ पे शोकेस करना चाहता हूँ। उसके बाद में हमने एक ऐड ग्रुप क्रिएट किया डिजिटल क्लासेस नाम से जिसमें हमने कुछ कीवर्ड्स ऐड की। उसके बाद हमने एक ऐड क्रिएट की जो ऐड आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद में हमने कैंपेन क्रिएट कर दिया। सो जब भी आप कोई भी सर्च कैंपेन क्रिएट करोगे गूगल एड्स के अंदर तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 ऐड बनाने मैं आपको दिखा। मैंने आपको शोकेस करने के लिए आपने सिर्फ एक ही ऐड क्रिएट की है लेकिन आप अगर आप खुद के बिजनेस के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 3 से लेके 5 ऐड आपको क्रिएट करनी है। और आपको जो कीवर्ड्स है आप जहाँ पे कीवर्ड्स एंटर करने वाले हो वो आपको 10 से लेके 15 के बीच में वो कीवर्ड्स रखने हैं और जो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स रखने हैं। सिमिलरली आप जब भी आप कोई एड्स क्रिएट करते हो तो आप चाहते हो कि आपकी जो एड्स है आपके प्रॉपर कीवर्ड्स के लिए ही दिखाई दे। आपका एड स्पेंड आप मैक्सिमम से यूटिलाइज कर सको तो आपको यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स आपको एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फ्री ऑनलाइन कोर्स तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कीवर्ड्स के लिए मेरे ऐड दिखाई ना दे तो उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करेंगे। तो प्लस में यहाँ पे जाएंगे और जो भी कीवर्ड्स के लिए चाहते हो आपके एड्स दिखाई ना दे उस कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे एंटर करना है। फ्री ऑनलाइन इस तरह के कीवर्ड्स के लिए मेरे ऐड में शोकेस नहीं करना चाहता तो मैं उन कीवर्ड को एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव कीवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ से आपने मेक श्योर कर दिया इस तरह की किसी भी की कीवर्ड के लिए आपकी एड शोकेस नहीं होगी और आपके जो पैसे आप वेस्ट नहीं करोगे आप प्रॉपर से यूटिलाइज करोगे। सिमिलरली जैसे आपकी एड रन होना शुरू हो जाएगी तो जिस सर्च क्वेरी के लिए आपकी एड शोकेस होती है गूगल के अंदर उन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च टर्म्स के अंदर। यहाँ पर वो डेटा आना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस सर्च कीवर्ड के लिए आपकी एड यहाँ पे शोकेस हो रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑक्शन इनसाइट्स में जाते हो तो आपको यहाँ पर डेटा मिलता है कि आपकी जो एड है वो दूसरे किस डोमेन के साथ कंपीट कर रही है और यहाँ पे उनका वो इंप्रेशन शेयर आप चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने एड्स क्रिएट कर दी कीवर्ड्स डाल दिए नेगेटिव कीवर्ड्स हमने चेक कर ली। अभी हम देखते हैं एक्सटेंशन हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन ऐड करने के लिए हम एड्स और एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सटेंशन का। तो क्रिएट साइटलिंक एक्सटेंशन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट साइटलिंक एक्सटेंशन के लिए सो बेसिकली साइटलिंक एक्सटेंशन होता क्या है कि अगर आप आपके साइट के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम जो 4 साइटलिंक्स हैं आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज है आपका अबाउट अस का पेज है या आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स का पेज है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो तो इन सभी इंपोर्टेंट पेजेस को आप हाईलाइट कर सकते हो। फॉर
फॉर एग्जाम्पल डिजिटल दिशा की जो साइट है यहाँ पे हम दो अलग से कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर हाउसवाइफ्स एंड बिजनेस ओनर्स। तो मैं चाहूँ तो इन दोनों पेजेस को मैं सेज साइट लिंक में ले सकता हूँ भाई, जो मुझे हाउसवाइफ के लिए जो मेरा हमारा कोर्स है उस कोर्स को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो फाइनल ईयर में कोर्स हम एंटर कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कोर्स फॉर हाउसवाइफ्स, सिमिलरली कोर्स फॉर बिजनेस ओनर्स। तो जो बिजनेस ओनर का जो कोर्स है उसका पेज हम ऐसे कॉपी कर लेंगे और इस पेज की वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसी तरह से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पेज है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट पेज है, आपके रिलेवेंट सर्विस पेजेस, उन सभी को आप ऐड कर सकते हो और इससे आप सेव कर सकते हो। तो अगर आप आपके जितने भी एक्सटेंशन आप क्रिएट करेंगे, साइट लिंक एक्सटेंशन आप क्रिएट करेंगे, तो आपको जो सर्च आपकी जो सर्च ऐड है उसका रैंकिंग बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन बढ़ेगा, एड्स का आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे। हमें प्लस पे क्लिक करके हम अलग अलग एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो भी हमने साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट किया था, नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। सो बेसिकली कॉल आउट एक्सटेंशन होता क्या है, जहाँ पे हमारे साइट के जो हमारे एड्स है, हमारी जो सर्विस है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 3 month course, financial aid available, इसी तरह से आपकी जो भी सर्विस है, जो भी कीवर्ड से उनको मैं हाईलाइट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपकी जो एड है आपकी जो सर्विस आप डिफाइन कर सको। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 एड जो कॉल आउट एक्सटेंशन में क्रिएट कर दिया, तो इसे मैं सेव कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे जाके हम स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन को भी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें जाके हम क्या क्रिएट करेंगे कि भाई हम किस तरह के एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं कोर्स सिलेक्ट करूंगा, कोर्सेस यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, ब्रांड्स, मॉडल्स। तो आपको जो बिजनेस है बिजनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो मेरे लिए भी कोर्सेस रिलेवेंट ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लिया है। तो डीएम कोर्स फॉर स्टूडेंट्स, सिमिलरली हाउसवाइफ्स और तो इस तरह से हमने जो कोर्स का जो एक्सटेंशन था उसे हमने यूज कर लिया है, स्ट्रक्चर सिमिलर एक्सटेंशन। तो इस तरह से हमने कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट किए। सिमिलरली यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन में जाके मैं यहाँ पे फोन नंबर का जो एक्सटेंशन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस को कॉल्स आना जाने चाहिए, तो मैं अपने जो कंट्री यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जाके मेरा जो नंबर है यहाँ पे नंबर एंटर कर सकता हूँ। अभी मैं एड्स के लिए आपको डमी नंबर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने एक नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है और कॉल रिपोर्टिंग हमको इनेबल रखना है, उसे सेव कर देना है। तो जितने भी आप एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे उस तो उसके वजह से होगा कि आपकी जो एड्स की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपकी एड्स मैक्सिमम गूगल सर्च में शोकेस होगी और आपको मैक्सिमम सर्च रिजल्ट मिले, सीटीआर मिलेगा और आपको क्लिक्स ज्यादा मिलेगी और आप कम से कम सीपीसी पे करेंगे एड्स के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जब भी सर्च एड क्रिएट करेंगे आपको 3 से लेके 5 एड्स क्रिएट करनी है पर एड ग्रुप के अंदर, और आपको पर एड ग्रुप में 10 से लेके 15 कीवर्ड्स रखने हैं। और मेक श्योर कीजिए जब भी आप सर्च एड्स क्रिएट करेंगे तो आपको वहां पे नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना है। सिमिलरली जितने भी एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो, साइट लिंक एक्सटेंशन हो गया, कॉल एक्सटेंशन हो गया, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया, या स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन हो गया, सभी को आपको ऐड करना है और उसी के बाद में आपको आपकी जो ऐड है उसे आपको शुरू करना है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक सर्च कैंपेन क्रिएट कर दिया है। अगर आपको इस गूगल सर्च कैंपेन के बारे में या गूगल जो एड्स हमने आज क्रिएट की इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज होगी तो उस क्वेरीज को हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा, हम उन्हें आंसर करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग वीडियोस देखना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वहां पे हम डेली वीडियो शेयर करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक।